हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे लेटर्स। लेटर्स में हमारा चल रहा था ऑफिशियल लेटर, क्लियर है। हमने लेटर्स के टू टाइप्स पढ़ लिए थे, ऑफिशियल लेटर और बिजनेस लेटर, टू टाइप्स अपन ने पढ़ लिए थे, ठीक है। और अभी अपन जो पढ़ने वाले हैं वो होंगे लेटर्स टू द एडिटर। कौन से होंगे? लेटर्स टू द एडिटर हम अब पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है लेटर्स टू द एडिटर। लेटर्स टू द एडिटर, संपादक को पत्र। क्या है ये? संपादक को पत्र अभी हम ये पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या होता है भैया? फॉर्मेट ऑलमोस्ट जो फॉर्मेट है ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पे भी जो बात करेंगे फॉर्मेट की हम, तो फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम ही है। सेम से मेरा कहने का मीन यहाँ पे कि जो सेंडर्स एड्रेस औरों में आता है, वैसे यहाँ पे भी सेंडर्स एड्रेस पहले आएगा। क्या आएगा? सबसे पहले इसमें भी वही आएगा, सब में आया है अब तक की तीन जो दो लेटर्स पढ़े अपन ने, सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता, ठीक है। ये हो गया आपका 1 और 2, 3 लाइन्स में। उसके बाद में हम इतने भी वही लेते हैं, क्या डेट लेते हैं, इसमें क्या लेते हैं? डेट लेते हैं। और डेट के बाद में जैसे उन ओवरों में तो हम क्या करते थे? रिसीवर्स पोस्ट ऐसे करते थे। तो यहाँ पर रिसीवर्स पोस्ट परमानेंट है, किसको लिख रहे हैं? एडिटर को लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा? द एडिटर, द एडिटर। उसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा? नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, नेम ऑफ द न्यूज़पेपर। पेपर एडिटर है तो किसी न किसी न्यूज़पेपर का एडिटर होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे द एडिटर, यहाँ पे फिर नेम ऑफ न्यूज़पेपर आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ हम क्या लिखेंगे? एड्रेस। यहाँ हम क्या लिखेंगे? एड्रेस लिख देंगे, क्लियर है। इसके बाद में क्या करना है? ये यहाँ थोड़ा सा स्पेस अपन ने डाला, यहाँ फिर से स्पेस डाल देते हैं थोड़ा सा, और फिर हम लिखते हैं इसका सब्जेक्ट, जो भी इसका सब्जेक्ट का वो लिख दिया जाएगा। उसके बाद में फिर वही क्या, सैल्यूटेशन यानी कि संबोधन। संबोधन में मोस्टली इसमें सर ही आता है, मैडम भी हो सकती है, संपादक, जरूरी नहीं कि सर ही हो। तो यहाँ पे भी वही है, सर या मैडम, क्लियर है यहाँ तक। चलिए ठीक है, इसके बाद में ये हो गया। फिर हमारा जो मैन वो कम्युनिकेशन जो होता है वो इसमें भी आ जाता है, कम्युनिकेशन। अब ये कम्युनिकेशन की जहां तक हम बात करते हैं, तो कम्युनिकेशन इसका शुरू कैसे होता है? तो कम्युनिकेशन में शुरुआत हम सबसे पहले क्या करेंगे? थ्रू द कॉलम ऑफ योर, कॉलम ऑफ योर हाईली एस्टीम्ड, या तो हम क्या लिख देंगे? हाईली एस्टीम्ड, या फिर थ्रू द कॉलम ऑफ योर प्रेस्टीजियस, यानी कि ख्याति प्राप्त न्यूज पेपर, क्लियर है, कोमा लगाएंगे। I would like to draw the kind attention of the related authorities, ठीक है। ये तो हमको फिक्स है कि भैया कम्युनिकेशन जब लिखेंगे
तो शुरुआत इसी से करना है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर हाईली एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द रिलेटेड अथॉरिटीज टूवर्ड्स। तो उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा कि भाई किस बारे में हम बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर कोमा लगा तो फुल स्टॉप लगाएंगे, फिर दूसरी लाइन से ही हम आगे का स्टार्ट करेंगे। तो ये तो स्टार्टिंग करनी है, क्लियर है। चलिए उसके बाद में इसमें एंडिंग, क्या एंडिंग, तो जो एंडिंग है ना, एंडिंग में मोस्टली हम इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें एंडिंग में जो है हम मोस्टली लिख सकते हैं कि भैया ये जो होता है ना, जैसे मतलब कि हम चाहेंगे कि आप अवेयर करें, कुछ ऐसा होता है ना, जैसे इसमें मोस्टली हम क्या लिख सकते हैं, आई होप दैट कंसर्न्ड अथॉरिटीज will take swift action after this letter, okay? तो ये हम लिख देते हैं, तो मतलब ये एंडिंग में हम लिख सकते हैं, यानी हमारा ये बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा आसानी से हो जाएगा। भी अपने पास एक से डेढ़ लाइन ये हो गई, दो ढाई लाइन ये हो गई, तो हमारे पास ऑलरेडी चार पांच लाइनें तो वैसे ही हो गई है कि नहीं, तो काफी बड़ा हो जाता, फिर हमको बीच में बहुत ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर है स्टूडेंट, ये हो गया। उसके बाद वही जो हम हमेशा लिखते हैं, थैंकिंग यू, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज, जो आपको पता ही है क्या लिखा जाता है, योर्स फेथफुली या फिर योर्स सिंसियरली, इनमें से हम कोई सा भी लिख देते हैं, ये हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज, क्लियर है। इसके बाद में क्या जाता है, नेम आ जाता है, और इस प्रकार से ये है। और अगर उसी को पोस्ट वगैरह है तो पोस्ट भी यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्लियर है कि नहीं, क्लियर और नोट। तो ये हो गया आपका संपादक को पत्र, कौन सा हो गया ये, संपादक को पत्र, क्लियर है, लेटर टू द एडिटर, है कि नहीं। अब एक बार फिर से समझ लीजिए भैया, ज्यादातर चीजें सेम है। सबसे पहले ये सेंडर्स एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में सेकंड थिंग आपकी डेट हो जाती है, फिर आप लिखते हैं द एडिटर, उस पर एडिटर का जो न्यूज़पेपर है उसका नाम, और ये उस न्यूज़पेपर का जहां से उपकाशित हो रहा है वो, क्लियर है। उसके बाद ये सब्जेक्ट हो गया ये सैलूटेशन। फिर यहाँ पे जो मेन चीज है वो यही है कि शुरू कैसे करना है, कम्युनिकेशन में शुरुआत इस तरीके से करनी है, मतलब ये जो लाइन है ये आपको अच्छे से याद कर लेनी है, क्या कर लेनी है, ये लाइन्स आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है, क्या है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर हाईली एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके उच्च विख्यात अखबार के कॉलम के माध्यम से, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द रिलेटेड अथॉरिटीज, मैं संबंधित अधिकारियों के वो इस बारे में अवगत कराना चाहता हूँ कि, फिर यहाँ पे आपका सब्जेक्ट लिख दिया जाएगा, और फिर थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में क्या कर दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर अगली लाइन से स्टार्ट करेंगे तो वो क्या होगा, अ लिटिल एक्सप्लेनेशन अबाउट द सब्जेक्ट, यहाँ हम क्या लिखेंगे, लिटिल एक्सप्लेनेशन, मतलब ऐसे कि ऐसे नहीं लिखना, मतलब जो सब्जेक्ट है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, तो सब्जेक्ट यानी कि आपका जो विषय है, विषय का थोड़ा सा विश्लेषण, विषय का विश्लेषण करना है यहाँ पे हमने, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ये हो जाएगा।
इसके बाद में हमने एंडिंग और एंडिंग में हम मोस्टली ये लिख देंगे, क्लियर है कि नहीं? क्या आई होप दैट कंसर्न अथॉरिटी विल टेक स्विफ्ट एक्शन आफ्टर दिस लेटर। आशा करता हूँ कि इस लेटर के बाद जो संबंधित अधिकारी हैं वो तेजी से कोई कार्य करेंगे, तेजी से कोई एक्शन लेंगे। धन्यवाद, फिर ये कंप्लीमेंट्री फ्रेज हो जाएगा, नेम हो जाएगा और ये पोस्ट हो जाएगी। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, इज इट ओके और नॉट? आई थिंक ओके। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अब इसके बारे में हम लिखते हैं क्वेश्चन। क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स? क्वेश्चन। तो इसको रब कर दिया जाए, इसको हम रब कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हुए चलते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन हम अब लिखते हैं। क्वेश्चन, यू आर मोहिनी मोहन, यू आर मोहिनी मोहन, ये तो आपका नाम हो गया, यानी कि जो लिखने वाला योर्स ओबीडिएंट योर्स फैथफुली जो है वो ये हो गया, क्लियर है कि नहीं है? चलिए इसके बाद में राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑफ द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब किस लिए लिखना है? किसी चीज पे हमको कमेंट करते हुए लिखना है, किस क्या करके लिखना है? कमेंट, किस चीज पे कमेंट करना? अब वो टॉपिक होगा आपका, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया कमेंटिंग ऑन इंफ्लुएंस ऑफ टीवी एंड इंटरनेट ऑन द स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑन द इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ टीवी एंड इंटरनेट ऑन द स्टूडेंट्स यानी यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि विद्यार्थियों पे टीवी और इंटरनेट का प्रभाव, विद्यार्थियों पे टीवी और इंटरनेट का प्रभाव, इस बारे में हमको क्या लिखना है? एक लेटर लिखना है, किसको? द टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को, कि वो उसमें क्या करेंगे, स्टूडेंट्स को अवेयर करेंगे कि भाई ये इसके फायदे हैं और ये इसके नुकसान हैं, ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं, क्लियर है कि नहीं है? तो ये क्वेश्चन हो गया कि यू आर मोहन या मोहनी, आपका नाम ये है, आप एक लेटर लिख रहे हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को, जिसमें आप ये बताएंगे कि जो विद्यार्थी लोग होते हैं उन पे टीवी और इंटरनेट का क्या प्रभाव पड़ता है, विद्यार्थियों पे टीवी और इंटरनेट का क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्लियर है स्टूडेंट्स? ये रख कर देते हैं क्वेश्चन को, अब आंसर स्टार्ट करते हैं हम। अब यहाँ पे कुछ चीजें हम देख लेंगे कि भैया एक तो आपको ये मिल गया द
का एडिटर, क्लियर है कि नहीं है। ये आपका नाम हो गया, ये लास्ट पे आ जाएगा योर सेटफुल या ट्रूली में, लेकिन यहाँ पे आपका एड्रेस नहीं दे रखा है तो आपने अपना एड्रेस खुद से लिखना है। क्या करना है, यहाँ एड्रेस नहीं दे रखा तो आपने अपना एड्रेस खुद से लिखना है, क्लियर है कि नहीं है। चलिए उसके बाद डेट हम लिख ही देंगे, फिर आपका ये द एडिटर आ जाएगा, द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया, फिर हम जयपुर या जो भी हम यहाँ पे वो लिख देंगे, क्लियर है। उसके बाद में हमने लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द इन्फ्लुएंस ऑफ टीवी एंड इंटरनेट ऑन द स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। ये तो क्या हो गया सब्जेक्ट, ये रिसीवर्स एड्रेस हो गया, क्लियर है, ये रिसीवर्स एड्रेस हो गया, एड्रेस पोस्ट सब कुछ हो गया यहाँ तक का, और ये हो गया आपका ओबिडेंट सॉरी फैथुल्ली वाला, क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमको क्वेश्चन से ही मिल गए हैं भाई, मिले कि नहीं मिले, चलिए ठीक है। और फिर हमने ऑलरेडी वो चार पांच लाइनें जो है याद की हुई होंगी, तो हमारा लेटर तो तैयार हो गया कम्प्लीटली, हुआ क्या नहीं हुआ। चलिए अब हम देखते हैं, इसको करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है, निकाल दिया जाए इसको। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखने वाले का पता लिखते हैं, जो भाई साहब लिख रहे हैं उनका पता लिखते हैं, माल बीए नगर जयपुर, माल बीए नगर जयपुर। एक बात और ध्यान रखना, जब भी ये नगर लिखते हैं हम किसी के साथ तो इसका एन हमेशा क्या आएगा, कैपिटल आएगा, ध्यान रखना, क्या आएगा हमेशा कैपिटल, जब ऐसे शुरुआत में हम लिख रहे हैं तो एन को हमेशा कैपिटल ही हमने रखना है। हो गया, तो ये हो गया भेजने वाले का एड्रेस। उसके बाद में डेट डाल देते हैं हम यहाँ पे, जुलाई 13, 2021, क्लियर है। अब रिसीवर्स पे आ गए, तो यहाँ हमने क्या लिखना है, द एडिटर, क्या लिखना है, द एडिटर, कौन सा न्यूज़पेपर था, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया जयपुर, क्लियर है। चलिए ठीक है, इसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने सब्जेक्ट लिखना है, क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, तो ये लीजिए भैया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हम क्या लिखते हैं, क्या लिखेंगे, इन्फ्लुएंस ऑफ टीवी एंड इंटरनेट ऑन द स्टूडेंट्स, द इन्फ्लुएंस, द इन्फ्लुएंस ऑफ टीवी एंड इंटरनेट, टीवी एंड इंटर ऑन द स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों पे इनका प्रभाव, ऑन स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों पे टीवी और इंटरनेट का प्रभाव, ये लिखना है। उसके बाद सैल्यूटेशन में आ जाएगा सर, अब कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है, किससे करना है, कम्युनिकेशन इससे स्टार्ट करना है, पी एच आर ओ यू जी एच, थ्रू द कॉलम ऑफ योर प्रेस्टीजियस, प्रेस्टीजियस न्यूज़पेपर, कोमा लगा देते हैं, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन। अब यहाँ पे किसकी अटेंशन लेने की कोशिश की जा रही है, किसकी अटेंशन लेने की कोशिश की जा रही है, स्टूडेंट्स की, तो यहाँ पे रिलेटेड अथॉरिटीज नहीं लिख के हम क्या लिख देंगे, अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स, क्या लिख देंगे हम, अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स, क्लियर है, ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द
स्टूडेंट्स, अब किस बारे में अटेंशन ले रहे हैं हम? अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ टीवी एंड इंटरनेट ऑन देम। स्टूडेंट्स, अबाउट द इन्फ्लुएंस, अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ टीवी एंड इंटरनेट, टीवी एंड इंटरनेट ऑन देम। अब यहाँ पे मैंने देम किसके लिए यूज किया है? देम मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए ही यूज किया है, क्योंकि स्टूडेंट, ये जो प्रोनाउन है देम क्या है? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का यूज हम क्यों करते हैं? नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट, मैं यहाँ पे भी स्टूडेंट लिखता तो थोड़ा सा वो ठीक नहीं लगता, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? देम। तो ये देम किसके लिए यूज हुआ है? स्टूडेंट्स के लिए ही यूज हुआ है। क्लियर है? ये हो गया। थ्रू द कॉलम ऑफ योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ टीवी एंड इंटरनेट ऑन देम। क्लियर है स्टूडेंट्स? अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, या जाता ना उसके बाद सब्जेक्ट लिखना था, ये सब्जेक्ट आ गया अपना, है कि नहीं? यहाँ पे हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। अब हम जो ये इसका प्रभाव है सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे ना, तो प्रभाव क्या है, प्रभाव क्या है वो हम लिखेंगे, यानी कि क्या प्रभाव पड़ रहा है वो लिखना अब हमको। क्लियर है कि नहीं है? तो भैया टीवी और इंटरनेट के सकारात्मक प्रभाव भी है और नकारात्मक प्रभाव भी है। यहाँ एक तो सकारात्मक प्रभाव ये देख सकते हैं हम, सकारात्मक स्तर क्या, एक तो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ये है कि भैया ये ऑनलाइन क्लास चल रही है, इसकी वजह से चल रही है, इंटरनेट की वजह से संभव हो रहा है कि ये क्लास आप तक पहुंचेगी, नहीं तो कैसे पहुंच पाती। तो ऐसे पॉजिटिव पहलू भी हैं और इसके निगेटिव पहलू भी हैं। तो चलिए अब हम, अब यहाँ जैसे ये खत्म हो गया तो हम इसके आगे से स्टार्ट नहीं, अगली लाइन से ही स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? अगली लाइन से स्टार्ट करेंगे, है कि नहीं? चलिए ठीक है, तो करते हैं हम इसको अब स्टार्ट। अब क्या होता है कि जैसे टीवी होती है, टीवी में चित्र दिखाई देते हैं, तो भैया आपको शब्द बताए जाएं या फिर चित्र दिखाए जाए तो ज्यादा समझ में कौन सा आता है? चित्र का आता है ना, चित्र का ही तो आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? विजुअल्स। क्या बोलते हैं उसको? विजुअल्स। तो यानी विजुअल्स का जो है ना वो हमारे दिमाग पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं विजुअल्स इन्फ्लुएंसेस, विजुअल्स इन्फ्लुएंसेस, इन्फ्लुएंसेस माइंड मोर देन वर्ड्स, मोर देन वर्ड्स, कि शब्दों की तुलना में चित्रों का दिमाग पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। क्या होता है? चित्रों का दिमाग पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अब जैसे बात करें टीवी की, तो टीवी जो है बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है स्टूडेंट्स पे। क्या करती है? बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। टीवी इन्फ्लुएंसेस, इन्फ्लुएंसेस, इन्फ्लुएंसेस स्टूडेंट्स अ लॉट, स्टूडेंट्स अ लॉट, टीवी विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। जैसे कुछ अच्छे प्रोग्राम होते हैं वो उनके डेवलप करते हैं माइंड को, कुछ गंदे प्रोग्राम होते हैं उनकी लाइफ को स्पॉइल करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई गुड टीवी प्रोग्राम होते हैं वो क्या करते हैं? स्टूडेंट्स को पॉजिटिव बनाते हैं, ठीक है। तो हम यहां लिख देते हैं गुड टीवी प्रोग्राम्स, गुड टीवी प्रोग्राम्स मेक स्टूडेंट्स पॉजिटिव, मेक प्रोग्राम्स मेक स्टूडेंट्स पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सकारात्मक बनाते हैं।
और इसके अलावा जो ऑब्सीन होते हैं, ठीक है, ऑब्सीन जो होते हैं मतलब गंदे जो होते हैं वो उनके दिमाग को स्पॉइल करते हैं, जो गंदे प्रोग्राम होते हैं ना, जिसे भद्दे प्रोग्राम बोल सकते हैं, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, ऑब्सीन प्रोग्राम्स स्पॉइल देयर माइंड्स, ठीक है, स्पॉइल देयर माइंड्स। जो अच्छे प्रोग्राम होते हैं वो तो क्या करते हैं, उनको पॉजिटिव बनाते हैं, और जो भद्दे प्रोग्राम होते हैं वो उनके दिमाग को क्या करते हैं, स्पॉइल करते हैं, स्पॉइल यानी बर्बाद करना, खराब करना, ठीक है, वो उनके दिमाग को खराब कर देते हैं, मतलब उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, नेगेटिविटी भर जाती है, ठीक है। अब ऐसे ही ये तो हमने क्या लिख दिया भैया, ये तो टीवी का लिख दिया, क्या लिख दिया, ये तो टीवी का लिख दिया, तो एक में अपना ही टीवी का जाएगा। फिर हम अगला पैराग्राफ लेंगे, मतलब एक पैराग्राफ ये होगा, एक पैराग्राफ ये होगा, फिर एक और पैराग्राफ लेंगे हम, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे टीवी का लिखा था तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट मच इन्फ्लुएंसेज द स्टूडेंट्स, इन्फ्लुएंस ऑन स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इंटरनेट हैज मच इन्फ्लुएंस ऑन द स्टूडेंट्स, ऑन द स्टूडेंट्स। यहाँ पे इंटरनेट की बात की जा रही है कि इंटरनेट जो है विद्यार्थियों पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है, आज के तुलना में मैं बात करूं तो टीवी से भी ज्यादा बुरा प्रभाव भी होता है इसका, और अच्छे प्रभाव भी हो रहे हैं, क्योंकि टीवी से कहीं गुना ज्यादा हम मोबाइल यूज करते हैं, और मोबाइल में हम इंटरनेट से ही मूवीज भी देख सकते हैं, कोई अच्छे स्टडी रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं, हर चीज आपको अवेलेबल हो जाएगी इंटरनेट के माध्यम से। तो ये बहुत ज्यादा प्रभाव करता है स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स क्या करता है, बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। इसके द्वारा क्या होता है, They are always connected with the world। तो ये जो इंटरनेट है ना, यही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम पूरी दुनिया में किसी से भी कनेक्ट रह सकते हैं, या ये बोलें कि पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में होती है, मोबाइल हमारी मुट्ठी में है, हमारे हाथ में है, मतलब पूरी दुनिया हमारे हाथ में है, दुनिया की कोई भी चीज हम मोबाइल में देख सकते हैं, देश दुनिया के किस कोने में क्या चल रहा है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन आवर मोबाइल इफ वी यूज इंटरनेट। अगर हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं हर चीज हमारे मोबाइल में अवेलेबल है, इज इट क्लियर और नॉट, होता है ऐसा, चलिए ठीक है, क्योंकि सब आजकल छोटे से लेके बड़ा तक सब इंटरनेट का यूज करते हैं। अब इसमें भी क्या होता है कि जो अच्छी इंफॉर्मेशन होती हैं वो तो क्या करती है, उनके दिमाग को प्रकाशित करती है, एनलाइटन करती है, क्या करती है, एनलाइटन करती है, क्लियर है। तो यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, इसी में रहेगा ये यूजफुल, उपयोगी, यूजफुल इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन एनलाइटन देयर माइंड्स, कि जो उपयोगी जानकारियां होती हैं वो उनके दिमाग को क्या करती है, प्रकाशित करती है, मतलब दिमाग में नए नए विचार उनके पैदा होते हैं, अगर वो क्या कर रहे हैं वहां से कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, किसे, इंटरनेट से, ठीक है। लेकिन अगर वही अगर वो निगेटिव ले लेते हैं, क्या करते हैं,
नेगेटिव इंफॉर्मेशंस कैरीज देम ऑन द रॉन्ग पाथ ऑन द रॉन्ग पाथ। वहीं अगर वो इंटरनेट पे कोई नकारात्मक जानकारी देख रहे हैं, नकारात्मक सूचनाएं देख रहे हैं, तो वो क्या करती है, वो उनको गलत रास्ते की तरफ लेके जाती है। कहां लेके जाती है? गलत रास्ते की तरफ लेके जाती है, और उनकी जिंदगी में नकारात्मकताएं ही नकारात्मकताएं भर देती है, और वो सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ये हो गए इनके प्रभाव, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें ये भी देख कर बताना है कि स्टूडेंट्स को तो क्या तो करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अब यहाँ हम अगले पैराग्राफ से कर सकते हैं, स्टूडेंट्स शुड वॉच ओनली यूजफुल प्रोग्राम्स। जो विद्यार्थी हैं उनको मात्र कौन से प्रोग्राम देखने चाहिए, जो यूजफुल प्रोग्राम्स हैं, जो उपयोगी प्रोग्राम्स हैं, वो ही देखने चाहिए, ठीक है। प्रोग्राम्स ऑन द टीवी ये हो जाएगा। और हम ये भी चल सोचें कि गवर्नमेंट को जो गंदे प्रोग्राम आते हैं, भद्दे प्रोग्राम होते हैं, उनको क्या कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए, ठीक है। एंड गवर्नमेंट शुड बैन द नेगेटिव प्रोग्राम्स, जो नकारात्मक प्रोग्राम्स हैं उनको क्या कर देना चाहिए, अगर गवर्नमेंट ने बैन कर देना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद में हमारे पास क्या बचता है, थैंकिंग यू। अब यहाँ हमने ये लिख दिया तो हमको फिर वो जो एंडिंग बताई थी वो लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? चलिए अब मैं यहाँ लिख देता हूँ थैंकिंग यू। अब इसके नीचे यहाँ पे लिखना है लेकिन यहाँ जगह नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। क्या योर्स ट्रूली या फेथफुली, यहाँ पे नेम आ जाएगा, नेम क्या था उसमें, मोहन या मोहिनी, ठीक है, तो मोहिनी या मोहन, जो भी है, लड़का तो मोहन लिख देगा, लड़की मोहिनी लिख देगी, क्लियर है। और कोई पोस्ट वगैरह है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा एक पत्र, एक बार समझ लीजिए इसको कि हमारा पत्र क्या था, कि आप मोहिनी या मोहन है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, द टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक को पत्र लिखना है और उसमें स्टूडेंट्स पर टीवी और इंटरनेट के प्रभाव को बताना है, ये करना था। उसमें दे नहीं रखा था, सेंडर से एड्रेस नहीं दे रखा था, हमने लिख दिया, डेट हमने अपनी तरफ से डाल दी। अब इसमें रिसीवर्स वाली जो होती है ना डेजिग्नेशन, उसके जगह सिर्फ एक चीज लिखनी होती है, क्या, द एडिटर। सो हमने लिख दिया द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब ध्यान रखिएगा एक चीज हमेशा, किसी भी न्यूज़पेपर के नाम के साथ, क्या, किसी भी न्यूज़पेपर के नाम के साथ हमेशा क्या लगाया जाता है, तो लगाया जाता है DHE, हमेशा लगाया जाता है। तो ये नेम ऑफ न्यूज़पेपर हो गया, ये जहां से वो प्रकाशित हो रहा है, जहां से वो पब्लिकेट हो रहा है, वो पब्लिकेशन उसका जहां है वहां का एड्रेस हो गया। सब्जेक्ट क्या था अपना, द इन्फ्लुएंस ऑफ टीवी एंड इंटरनेट ऑन द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों पर टीवी और इंटरनेट का प्रभाव, विद्यार्थियों पे टीवी और इंटरनेट का प्रभाव, ये हमारा सब्जेक्ट था। सो हमने ये लिख दिया, क्लियर सर। ये आ गया आपका सैल्यूटेशन, संबोधन हो गया है। अब ये लाइन जो मैं बता रहा हूं, यानी ये यहां से लेके और ये यहां तक, यहां से लेके यहां तक, स्टूडेंट्स जहन में बैठा लीजिए कि ये आपको याद करनी ही है,
लेटर टू द एडिटर अगर आप लिख रहे हैं लेटर, तो आपने ये लाइन तो लिखनी ही लिखनी है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि अटेंशन ऑफ द, यहाँ तक तो कंफर्म है आपने लिखना ही है। यहाँ स्टूडेंट्स के बजाय क्या सकता है, कंसर्न्ड अथॉरिटीज आ सकता है, रिलेटेड अथॉरिटीज आ सकता है, और फिर आपका सब्जेक्ट, यानी ये तो आपका रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई डाउट शंका शक संदेह नहीं है, क्लियर है। उसके बाद यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने किया है कि हमने क्या किया है भाई, टीवी और इंटरनेट दोनों के प्रभाव पूछ रहा है, तो हमने क्या किया भाई, पहले टीवी के अच्छे प्रभाव भी बताए हैं, बुरे प्रभाव भी बताए हैं, फिर इंटरनेट के अच्छे प्रभाव भी बताए हैं, बुरे प्रभाव भी बताए हैं। तो वैसे ही अब क्या करना है, सबसे अब टीवी और इंटरनेट दोनों का है, तो पहले टीवी का देखते हैं। विजुअल्स इन्फ्लुएंसेस माइंड मोर देन वर्ड्स, कि जो चित्र होते हैं ना, देखी गई चीजें क्या करती है, दिमाग पे ज्यादा प्रभाव डालती है, दिमाग को ज्यादा प्रभावित करती है। हमें कोई वैसे बता दे कि ये खतरनाक सा राक्षस था, उसके लंबे लंबे दांत थे, हाँ ठीक है भाई हम कल्पना कर लेंगे, लेकिन इतना ज्यादा कल्पना नहीं हो पाती, इतनी ज्यादा इमेजिनेशन नहीं हो पाती जितने की हमको चित्र में दिखा दे, हमको चित्र में दिखा दे, ओ माई गॉड, अरे यार इतने बड़े बड़े बाल हैं, इतना भयंकर सा शरीर है, तो वो ज्यादा इम्पेक्ट करेगा हमारे माइंड को। तो वही चीज है कि चित्र जो होते हैं वो शब्दों की तुलना में प्रभाव ज्यादा डालते हैं दिमाग पे। टीवी इन्फ्लुएंसेस स्टूडेंट्स अलॉट, अलॉट अत्यधिक बहुत ज्यादा, कि जो टीवी है वो विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। गुड टीवी प्रोग्राम्स मेक स्टूडेंट्स पॉजिटिव, अगर टीवी के अच्छे प्रोग्राम है, अच्छे टीवी प्रोग्राम्स अगर देख रहे हैं, अच्छे कार्यक्रम देख रहे हैं, तो वो विद्यार्थियों को क्या बनाते हैं, सकारात्मक बनाते हैं, उनको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। लेकिन ऑब्सीन, फुहर जिसे बोलते हैं, भद्दे जिन्हें बोलते हैं, प्रोग्राम्स स्पॉइल देयर माइंड्स, अगर ऐसे प्रोग्राम हम देख रहे हैं तो वो क्या करते हैं, उनके दिमाग को खराब करते हैं, उनके दिमाग को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर ये हो गया टीवी का, अच्छे भी हो गए और बुरा भी हो गया, बता दिया हमने। फिर इंटरनेट पे आ जाते हैं कि इंटरनेट भी बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स पे इंटरनेट भी बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। दे आर ऑलवेज कनेक्टेड विद द वर्ल्ड, इंटरनेट के माध्यम से वो हमेशा पूरी दुनिया से जुड़े रहते हैं, क्या रहते हैं, हमेशा पूरी दुनिया से जुड़े रहते हैं। यूजफुल इंफॉर्मेशन एनलाइटन देयर माइंड्स, अब इंटरनेट पे अगर वो कोई उपयोगी जानकारी देखते हैं, ठीक है, अगर कोई उपयोगी सूचना देखते हैं तो वो उनके दिमाग को प्रकाशित करती है। एनलाइटन यानी प्रकाशित करना, एनलाइटन मीन्स प्रकाशित करना, तो वो उनके दिमाग को क्या करती है, प्रकाशित करती है। निगेटिव इंफॉर्मेशन कैरीज देम ऑन द रॉन्ग पाथ, लेकिन अगर वही स्टूडेंट्स कोई नकारात्मक सूचना देखते हैं, कोई नकारात्मक इंफॉर्मेशन देखते हैं, तो वो नकारात्मक इंफॉर्मेशन उनको गलत रास्ते पे लेके जाती है, कहाँ लेके जाती है, गलत रास्ते पे लेके जाती है। इसलिए स्टूडेंट्स शुड वॉच ओनली यूजफुल प्रोग्राम्स ऑन द टीवी, इसलिए विद्यार्थियों को टीवी पे अच्छे प्रोग्राम्स ही देखने चाहिए, उपयोगी प्रोग्राम्स ही देखने चाहिए, और गवर्नमेंट को चाहिए कि जितने भी नकारात्मकता फैलाने वाले प्रोग्राम्स हैं उनको क्या कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए, उनको प्रतिबंधित कर दिया जाए, फिर अपना आ जाएगा ये थैंकिंग यू, और फिर ये योर्स ट्रूली, ये नाम ये यहाँ थैंकिंग यू के जस्ट नीचे ही लिखना था, लेकिन इधर जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसको इधर ट्रांसफर किया है। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये हो गया, चलिए ठीक है, तो हम इसके बाद में एक और ले लेते हैं, ठीक है, ये हो गया, तो हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है, चलिए लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको रब करते हैं और अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है।
अब हम लिखते हैं क्वेश्चन, क्लियर है? लोकल न्यूज न्यूज पेपर अबाउट योर रेजिडेंशियल रेजिडेंशियल एरिया इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ सैनिटेशन, ठीक है? फेसिंग सैनिटेशन प्रॉब्लम भाई, सैनिटेशन की प्रॉब्लम तो है ही है, उसके साथ साथ क्या है, रोड्स और जो ड्रेनेज है उसकी भी प्रॉब्लम है, ठीक है? एज वेल एज बैड कंडीशन ऑफ रोड्स, बैड रोड्स एंड ड्रेनेज प्रॉब्लम, ड्रेनेज प्रॉब्लम, क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर है कि नहीं है? ठीक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। कि क्वेश्चन क्या है भैया, कि आपके एरिया, आपका जो एरिया है वहां के निवासी सैनिटेशन और बुरी रोड की कंडीशन है और ड्रेनेज, ये मतलब नालियों की स्थिति ठीक नहीं है, ठीक है, निकासी सही नहीं है, ठीक है, और रोड्स की जो कंडीशन है वो भी ठीक नहीं है, उससे परेशान है, तो उसके लिए आप एक लोकल न्यूज़पेपर, आप यहाँ पे लोकल न्यूज़पेपर आप ऐसे नहीं लिखेंगे द एडिटर लोकल न्यूज़पेपर, किसी भी लोकल न्यूज़पेपर का हमको नाम लिखना है। क्या करना है? किसी भी लोकल न्यूज़पेपर का नाम हमने लिखना है, यहाँ पे लिखने वाले का नाम भी नहीं लिख रखा, वो भी हमको अपने मन से लिखना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस नाता यहाँ पे क्या बता रखा है कि एडिटर को आपने एक लेटर लिखना है, जो भी लोकल न्यूज़पेपर का एडिटर होगा उसको लेटर आपने लिखना है, किस लिए, कि आपका जो एरिया है वो सैनिटेशन ड्रेनेज और बैड कंडीशन ऑफ रोड्स की समस्या का सामना कर रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए तो अब हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया क्वेश्चन, अब इसका हम आंसर करते हैं। अब इसमें क्या है कि कोई भी एड्रेस हमको नहीं दे रखा है, लिखने वाले का पता इसमें नहीं दे रखा है, तो हम अपने हिसाब से लिख देते हैं। 31 प्रताप नगर जयपुर, 31 प्रताप नगर जयपुर, ये भेजने वाले का पता हो गया। डेट लिख देते हैं जुलाई 13, 2021। इसके बाद आ जाएगा आपका द एडिटर। अब यहाँ पे न्यूज़पेपर का नाम नहीं दे रखा था ना, तो हमको मन से लिखना है इसमें किसी भी लोकल न्यूज़पेपर का, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, द राजस्थान पत्रिका, ये मान लीजिए अपने राजस्थान का, तो ये लोकल न्यूज़पेपर है द राजस्थान पत्रिका, क्लियर है कि नहीं है? चलिए हो गया, द राजस्थान पत्रिका जयपुर, ये लीजिए जी द राजस्थान पत्रिका जयपुर।
चैप्टर क्लियर है। अब सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। सब्जेक्ट क्या था अपना, सब्जेक्ट क्या था, बैड कंडीशन ऑफ रोड सैनिटेशन ड्रेनेज, वो वाली थी ना, तो वो हमको लिखना है। ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे हम, क्या है वो, एक प्रॉब्लम है ना, कहाँ पे है, प्रताप नगर में। ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे हम, सब्जेक्ट सैनिटेशन बैड रोड्स एंड ड्रेनेज प्रॉब्लम। ठीक है, सैनिटेशन कोमा बैड रोड्स एंड ड्रेनेज ड्रेनेज प्रॉब्लम्स इन आवर एरिया। कौन सा एरिया है भाई आपका, प्रताप नगर, तो इस एरिया में ये समस्या चल रही है, ये आप यहाँ पे लिख रहे हैं। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाएगा सैल्यूटेशन। सर फिर वही स्टार्टिंग करना है क्या, सो द कॉलम, सो द कॉलम ऑफ योर प्रेस्टीजियस न्यूज़पेपर कोमा I would like to draw। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, draw the attention of related authorities या concerned authorities, यहाँ हम लिख देंगे। ठीक है, like to draw the attention the attention of the concerned authorities, concerned यानी related, संबंधित, concerned authorities, यहाँ पे आप related भी लिख सकते हैं। अब यहाँ authorities towards the problem क्या करेंगे, towards the सैनिटेशन बैड रोड एंड इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, अथॉरिटीज टुवर्ड्स, अब ये जो सब्जेक्ट हमने लिखा ना, इसको ऐसे की ऐसे लिख देंगे, द लगा के यहां से टुवर्ड्स द सैनिटेशन। क्लियर, बैड रोड्स, बैड roads and drainage problem, drainage problem in our area, या फिर area का नाम भी लिख सकते हैं, प्रताप नगर। क्लियर है, तो इन दोनों में ये दोनों ही सही है। ठीक है, ये हो गया, फुल स्टॉप लगा दिया। अब ये समस्या कब से चल रही है, कैसे चल रही है, क्या परेशानी हुई इसकी वजह से, वो सारी चीजें हमको यहाँ पे बतानी है कि भाई कई दिनों से जो कचरा उठाने वाले लोग हैं, मतलब साफ सफाई करने वाले लोग हैं, वो नहीं आ रहे हैं, कई दिनों से वो छुट्टी पे हैं, वो चीज हम इसमें लिख देंगे। ठीक है, अब अगली लाइन से स्टार्ट करेंगे, अगला पैराग्राफ बनाएंगे। द क्लीनिंग स्टाफ, द क्लीनिंग स्टाफ has been absent for many weeks, कई सप्ताह से ही वो लोग क्या हैं, वो absent हैं। कौन absent है भैया कई सप्ताह से, चलिए ये तो कुछ ज्यादा हो गया, हम क्या करते हैं सिर्फ एक सप्ताह से उनको absent कर देते हैं। ठीक है, been absent
फॉर अ वीक। तो हमने यहाँ पे कह दिया कि जो सफाई कर्मचारी है वो सफाई कर्मचारियों का जो स्टाफ है वो एक सप्ताह से क्या है गायब है, मतलब उपस्थित वहां पे नहीं है, सॉरी अनुपस्थित है। देयर आर हीप्स ऑफ गार्बेज, यहाँ पे कूड़े के क्या है ढेर हो रहे हैं। द ड्रेनेज आर चोक्ड, जो नालियां हैं वो क्या हो गई हैं जाम हो गई हैं, वो चोक्ड हो गई हैं। तो द ड्रेन्स, द ड्रेन्स आर चोक्ड, द ड्रेन्स आर चोक्ड, तो ड्रेन्स हैं वो बुरी तरह से क्या हो गए हैं चोक हो गए हैं जाम हो गए हैं। डर्टी वाटर, द डर्टी वाटर इज स्प्रेडिंग, इज स्प्रेडिंग, कि गंदा पानी है वो चारों तरफ क्या हो रहा है फैल रहा है। ठीक है, तो इसका परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कंसिक्वेंटली, ये थोड़ा सा स्पेलिंग बड़ा है ढंग से नहीं लिखा गया है, कंसिक्वेंटली consequently water is spreading consequently यानी इसके परिणाम स्वरूप। ठीक है, the roads have been broken and become रफ। इसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि जो रोड्स हैं वो पूरी तरह से क्या हो गई है टूट चुकी हैं, बुरी तरह से टूट चुकी हैं और साथ ही साथ क्या हो गया है कि वो रफ भी हो गई है, मतलब वहां पे गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, अब ये हो गया, इस यहीं से स्टार्ट करेंगे लेकिन थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ लिखने में थोड़ी नीचे परेशानी हो रही है तो हम इसको क्या कर देते हैं ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो अब गंदगी रहती है वहां पे, उसकी वजह से क्या होता है मॉस्किटोज फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स आर थ्राइविंग, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मच्छर मक्खियां और जो और भी जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं कीट पतंग है वो क्या हो रहे हैं मंडरा रहे हैं चारों तरफ थ्राइविंग हो रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है किसी भी एपिडेमिक का खतरा है, यानी कि कोई भी खतरनाक, देयर इज डेंजर ऑफ एपिडेमिक, एपिडेमिक से मतलब होता है महामारी, कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी महामारी हो सकती है, उसका क्या है खतरा है, उसका क्या है खतरा है, किसकी वजह से ये मच्छर मक्खियों की वजह से। ठीक है, आई होप दैट, आई होप दिस लेटर, this letter will prove an eye opener, eye
ओपनर टू द अथॉरिटीज अथॉरिटीज एंड दे विल टेक स्विफ्ट एक्शन। उसके बाद यहां हो जाएगा थैंकिंग यू, उसके बाद अपना कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज योर्स ट्रूली। उसके बाद हमारे यहाँ पे कुछ भी नाम नहीं दे रखा था तो हम अपनी तरफ से कोई भी नाम लिख देते हैं, सुमित। क्लियर है, ये हो गया आपका लेटर। आप लेटर टू एडिट कर रहे हैं, ये आपका लेटर हो चुका है। आप एक बार इसे थोड़ा सा समझ लीजिए स्टूडेंट्स। हम लिख के इसके ले रहे थे कि भैया सैनिटेशन और ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, साथ ही साथ रोड्स भी बहुत बुरे हो रखे हैं, इसलिए हम लिख रहे थे। क्लियर है, चलिए ठीक है। तो ये हो गया प्रताप नगर जयपुर 31 प्रताप नगर जयपुर, ये हो गया है भेजने वाले का पता। ये क्या है, ये है भेजने वाले का पता। ये हो गई डेट, द एडिटर, ये न्यूज़पेपर का नाम और ये न्यूज़पेपर का संपादित होने का प्रकाशित होने की जगह। सब्जेक्ट हो गया उसका कि सैनिटेशन बैड रोड्स एंड ड्रेनेज प्रॉब्लम, कि हमारे एरिया में सैनिटेशन बुरे रोड और ये ड्रेनेज की समस्या चल रही है। ठीक है श्रीमान, थ्रू द कॉलम ऑफ योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, आपके ख्याति प्राप्त अखबार के कॉलम के माध्यम से, आई वुड लाइक टू ड्रो द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज, मैं संबंधित अधिकारियों की का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ टुवार्ड्स द सैनिटेशन बैड रोड्स एंड ड्रेनेज प्रॉब्लम इन आवर एरिया, कि हमारे एरिया में जो सैनिटेशन बैड रोड्स ड्रेनेज की जो प्रॉब्लम है उसकी तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। क्लियर है कि नहीं है, होता है ना कई बार जैसे कोई छोटी मोटी समस्या हो गई तो हमने संबंधित अधिकारियों को इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन होता क्या है कि वो ये सोचते हैं जाने दे यार, सामान्य पब्लिक है, ऐसे ही आती है, ऐसे शिकायत करती है, तो हम क्या करते हैं वहां बार बार जाते हैं, लेकिन वो अधिकारी लोग हमारी समस्या पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, वो इग्नोर करके निकलते हैं हमको, तो उससे हमें क्या लगता है यार मतलब हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हम फिर क्या करते हैं उससे थोड़े ऊंचे लेवल पे जाने की कोशिश करते हैं, और जब नहीं होता है तो फिर हम अखबार में उस समस्या को छपवाते हैं, किसी न किसी संपादक से मिलते हैं और उस हमारे हमारी समस्या को अखबार में छपवाते हैं, उसके बाद ये मान लीजिए कि 90% ये होता है कि समस्या सोल्व हो जाती है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, यही चीज हम कर रहे हैं भाई। ठीक है ये हो गया। अब क्या हो रहा है, द क्लीनिंग स्टाफ हैज बीन एब्सेंट फॉर ए वीक, लगभग एक सप्ताह से सफाई कर्मचारी अनुपस्थित है। देर आर हीप्स ऑफ गार्बेज, यहाँ पे कूड़े के क्या हो रहे हैं, ढेर हो रहे हैं, कूड़े के कचरे के क्या है, ढेर हो रखे हैं। द ड्रेन्स आर चोक्ड, जो नालियां हैं वो बिल्कुल बंद हो चुकी हैं, क्या हो गई है, बंद हो गई है। द डर्टी वाटर इज स्प्रेडिंग, अब जब नालियां बंद हो गई हैं तो पानी रुकेगा, एक लिमिट तक रुकता रहेगा, उसके बाद वो बाहर फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, ओवर फ्लो हो जाता है ना, तो उस वजह से क्या है पानी फैल रहा है, और जब रुका हुआ नालियों का पानी बाहर फैलता तो गंदी बदबू आती है और वहां पे मच्छर मक्खियां ज्यादा हो जाती हैं, जिससे वहां पे बीमारी होने का खतरा भी हो जाता है, तो वही है। कंसिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, द रोड्स हैव बीन ब्रोकन एंड बिकम रफ, उसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, गंदा पानी फैला हुआ है, उससे सड़क क्या हो गई है, टूट गई है। जैसे जो ये डामर की जो सड़क होती है चारकोल वाली, तो वो टूट जाती है, तारकोल वाली जो टूट जाती है वो टूट गई है और बहुत ज्यादा रफ हो गई, यहाँ पे गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है। मॉस्किटोज फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स आर थ्राइविंग, मच्छर मक्खियां और कीड़े मकोड़े और कीट पतंग जो वहां पे मंडराते रहते हैं हमेशा, जिससे किसी भी एपिडेमिक खतरनाक बीमारी मतलब महामारी जिसे कह सकते हैं उसका खतरा है। आई होप दिस लेटर विल प्रूव एन आई ओपनर टू द अथॉरिटीज, मैं आशा करता हूं कि ये जो लेटर है अधिकारियों के लिए आंखें खोलने वाला साबित होगा, यानी ये लेटर अधिकारी गणों की क्या करेगा, आंखें खोलेगा। एंड दे विल टेक स्विफ्ट एक्शन, और मुझे उम्मीद है
कि वो कोई तेजी से शीघ्र क्या करेंगे, कोई एक्शन लेंगे, वो क्या करेंगे कोई शीघ्र एक्शन लेंगे। थैंकिंग यू, धन्यवाद, योर्स ट्रूली सुमित। तो ये हो गया अपना दूसरा, क्लियर है कि नहीं है। तो इस प्रकार से ये होता है लेटर टू द एडिटर, लेटर टू द एडिटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब तक हमने चारों लेटर्स में से बिजनेस लेटर पढ़ लिया है, ऑफिशियल लेटर पढ़ लिया है, और ये आज हमने पढ़ लिया है लेटर टू द एडिटर। क्लियर है, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर है, फिर भी कोई समस्या रहती है कमेंट बॉक्स में डालिएगा, समस्या को आपको समाधान दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।